नीचे बैठो, नीचे सब नीचे बैठो, माफी मांगिए, नीचे बैठो, माफी आप लोगों ने क्या गलती करी थी, नीचे बैठो, बैठो बैठो बैठो, कान पकड़ो, सब कान पकड़ो, क्या करा था आप लोगों ने, क्या कर रहे सड़क पे, क्या कर रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे सड़क पे, नमाज पढ़नी चाहिए, यूपी में बैन है, नहीं पढ़ सकते आप मस्जिद के अलावा कहीं नमाज, जी माफी, क्या माफी आया, बिल्कुल दोबारा जी हरकत ना था पूरी यूपी में कहीं, नहीं सर। उठक बैठक का ये नज़ारा किसी स्कूल का तो नहीं है, ये हमें भी पता है और आपको भी, लेकिन जो चेहरे पर डर नजर आ रहा है वो तो साफ है कि वैसा ही है जैसा बच्चों को स्कूल में सजा मिलते वक्त लगता है। एक बात तो साफ है कि योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में अब कभी भी लोग गलती से भी सड़क पर नमाज अदा नहीं करेंगे। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर नमाज पढ़ने के बाद हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से लोग अजमेर जा रहे थे, जायरीनों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंगाल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है जहां इस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ना इस कदर उनको भारी पड़ जाएगा। जायरीनों ने हाईवे 24 की सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिल गई। फिर क्या था, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काट दिया। दरअसल थाना तिलहर क्षेत्र कचियाना खेड़ा के नेशनल हाईवे 24 पर एक बस में सवार यात्री पश्चिम बंगाल जिला 24 परगना से अजमेर जा रहे थे, जो अचानक से ही नमाज पढ़ने लग गए, जिसके बाद किसी ने सूचना दी तो वहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया और 17 नमाजियों के चालान के साथ साथ बस का भी चालान काट डाला। दरअसल बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्रियों ने नेशनल हाईवे के किनारे सड़क पर कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच वहां से गुजर रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनका वीडियो बना लिया। सड़क पर नमाज पढ़ता देख विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। हालांकि अपनी भूल के लिए जायरीनों ने कान पकड़ कर माफी भी मांगी, लेकिन बाद में नमाज पढ़ रहे लोगों से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उठक बैठक भी लगवाई और उत्तर प्रदेश में ऐसा न करने की चेतावनी दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। सभी जायरीनों को बस में भर कर थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने 17 जायरीनों का शांति भंग में चालान कर दिया। इसके अलावा बस का भी चालान किया गया। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के नियम नहीं मालूम थे, जिसके चलते उनसे गलती हुई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर कहीं पर भी नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। घटना के बाद कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद का और पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुझे जानकारी हुई विशेष सूत्रों से, तो मैं वहाँ पहुँचा तो नेशनल 24 हाईवे पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, जिसको देख करके मैंने तत्काल गाड़ी रोकी और उनका वीडियो बनाने लगा। तो वो जैसे ही वीडियो बनाया तो वो सब सारे लोग खड़े हो गए और भागने लगे। तो मैंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, जहाँ कानून, आपको पता है कानून चलता, कानून की सरकार चलती है, यहाँ पे कोई गुंडा ही नहीं होती, सड़क पे नमाज बंद है, ये आपको पता है। वो कहने लगे मैं पश्चिम बंगाल का हूँ, मैंने पश्चिम बंगाल में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, कहा उत्तर प्रदेश में धज्जियाँ उड़ाने के लिए आप आए हो, यहाँ पे महाराज जी की सरकार चलती है, यहाँ पे कानून का सम्मान होता है, इसलिए आप लोगों की बात पता नहीं है। तो वो उन्होंने अपनी माफी आप ही मांगने लगे। मैंने कहा नहीं, आपको माफ नहीं, कानून का उल्लंघन किया, 24 हाईवे पर आपने नमाज पढ़ी है और जो कि आम आदमी देख रहा है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, इसलिए आपके माफी नहीं, आपको माफ करने के लिए कानून बना हुआ है। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की, उसके बाद सीओ साहब से बात की, तत्काल वहाँ पे पुलिस आई और मैंने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई इनका चालान करिए। उसके बाद में उनका चालान किया गया 18-19 लोगों का करीब, और गाड़ी को सीज किया गया। आगे की क्या क्या गतिविधियां रही ये पुलिस प्रशासन बता सकता है, लेकिन मेरी ये मांग है जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। परसों रात्रि की बात है, एक बस में कुछ यात्री थे जो वेस्ट बंगाल उत्तर 24 परगना से अजमेर जा रहे थे, एक ढाबे पर रुके हुए थे, उसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर विधिक कार्रवाई की गई थी। बस का चालान किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना सड़क पर मना है और इन जायरीनों का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। फिलहाल हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विनय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।